मऊ में आगजनी और पथराव के मामले में सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की थी, करीब एक दर्जन बाइकों को आग के हवाले कर दिया था। प्रशासन की सख्ती से काबू में आए हालात, इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद। मंडल के दूसरे जिलों से पहुंची फोर्स आरएएफ पीएसी को कि जो दो कंपनी है वो यहां पहुंची है। तो मऊ में धारा 144 को सख्ती से लागू किया गया है, तो जिला प्रशासन सख्ती से लागू करेगा। देर रात को वाराणसी और लखनऊ से कई अधिकारी पहुंचे मऊ, 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो स्थिति को काबू में करते हुए पुलिस प्रशासन धारा 144 लागू करेगा। इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाई गई है ताकि किसी भी अफवाह से प्रदेश का माहौल ना बिगड़े। वाराणसी और लखनऊ से कई अधिकारी मऊ पहुंचे हैं और इस दौरान 19 लोगों को संदिग्ध जैसे हिरासत में लिया गया है। तो मऊ में आगजनी और पथराव के मामले में कल प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की थी, काफी हिंसक तनाव जो है वो यहां पर देखने को मिला था, और जिसके बाद अब स्थिति को काबू करने की कोशिश में जुगत में प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासन की सख्ती से जो हालात है वो काबू में आए हैं। इंटरनेट सेवाओं पर पूरी तरह से बंद लगाया गया है। तो मंडल के दूसरे जिलों से भी फोर्स यहां पर पहुंची है ताकि स्थिति को सामान्य बनाया रखा जा सके। तो आरएएफ पीएसी की दो कंपनियां मऊ पहुंची हैं। धारा 144 को सख्ती से लागू करने का जो कोशिश है वो जिला प्रशासन की, तो वाराणसी और लखनऊ से कई अधिकारी मऊ पहुंचे और इस दौरान 19 लोगों को हिरासत पे भी लिया गया। तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन काफी देखने को मिला था, मऊ के अंदर हिंसक प्रदर्शन हुआ था और जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चिंता जताई थी और फटकार यहां पर लगाई गई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और अब हालातों को काबू करते हुए प्रशासनिक अधिकारी, आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि चीजें काफी तेजी से नॉर्मल हो रही हैं और लोग आ जा रहे हैं और स्टेशन पर भी फोर्स करीब 40 कांस्टेबल्स वहाँ तैनात किए गए हैं और बस स्टैंड पर ही फोर्स लगाई गई है ताकि जो लोग बाहर जाना चाह रहे हैं या मूवमेंट जो करना चाह रहे हैं ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और बेहिचक सुरक्षित रूप से वो मूवमेंट करें। और अभी बहुत सारी ट्रेनें गई हैं, इसमें काफ़ी लोग गए हैं और करीब 19 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। और जो अखबारों में जो फोटोग्राफ्स छपे हैं आगजनी और पत्थरबाजी करते हुए और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास हैं उससे हम लोग फोटो आइडेंटिफाई करा रहे हैं और इसमें आइडेंटिफाई कराने के बाद फिर उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।